और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। अब कल तुम सब लोग को पता होगा कि मैंने एक क्रेट ओपनिंग करी थी स्टार सी क्रेट की, जिसमें भाई साहब मेरी निकली थी भाई साहब कतई खतरनाक दिखने वाली AKM, जिसको मैं ग्लेशियर AKM कहता हूँ पता नहीं क्यों। और उसी के साथ साथ मिला था लिमिटेड स्टार सी एडमिरल सेट, आई थिंक यही इसका नाम है पूरा, जो कि भाई साहब पलट ही नहीं रही मेरी जबान, बड़ा हार्ड हो जाता है पता नहीं क्यों। इजी सा नाम है लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। एडमिरल को पता नहीं क्यों मैं बार बार जो है एमरल्ड बोल रहा हूँ, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। बस जो भी हो, तो ये एक अल्टीमेट सेट है, तो तुम लोग को इसके बारे में डेफिनेटली पता ही होने वाला है। तो आज हम यही कपड़ा पहन के खेलने वाले हैं, और लॉबी के जो भाई साहब लगाने वाले हैं ना अवार्ड, तुम भी कहोगे फारूक भाई एक काम करो, तुम कामयाबियाँ चलाना बंद करो। इस तरह कामयाबियाँ चलाओगे ना तो बीजमाई वाले तुम्हारे आईडी कर देंगे बैन, कि वॉल के उस पार इस पार मारता है ये बंदा। वेल देखो, हम लोग उतरे थे यासनाए में, क्योंकि भाई साहब ये जो विलेज था ना, ये बहुत दूर था प्लेन पास से, तो हम लूट लाट के विलेज पे आए और आते एक बंदे की सुताई कर दी। अब देखो, इसका पूरा टीम यहीं पर मौजूद था, तो वो तो कतई गुस्से में थे, एकदम पागल हुए जा रहे थे कि हमारे बंदे को छुआ कैसे भाई तुमने। मैंने कहा रुको, तुम्हारे बंदे को नहीं, तुम सबको भी ठोकेंगे एक एक करके। अब एक भाई साहब सीढ़ी के नीचे कैंप कर रहे थे, उनको तो लगा था हम देख पाएंगे नहीं, बुग्गी ने उनको देख लिया, मैंने डाला मॉली, भाई का काम खत्म, नॉक फिनिश, दोनों एक मॉली में। वेल मैं तुमको बताना भूल गया भाई, अगर तुमको इस वीडियो में मेरा कामयाबियां खतरनाक लगता है ना, तो भाई साहब तुम जरा मेरे मॉलीज देखना भाई, आग बरसाऊंगा मैं। अब यहां पर मैंने एक नॉक निकाला और एक बंदा मेरे को खिड़की के पास स्पॉट हुआ, तो यहां पर मेरे पास एक कमाल का तरीका था, मैंने निकाला कामयाबियां और भाई को नॉक कर दिया। अब देखो, नीचे एक और बंदा था, तो ये टाइम था भाई साहब पुश करने का, क्योंकि पुश करोगे तभी खुश रहोगे। अरे भाई स्कैम हो गया यार, मैं एक बंदा अंदर से मुझे गुस्सा था, निकले थे दो यार, शॉटगन वाले को तो मैं छत से ही ठोक देता भाई कामयाबियां से। लेकिन भाई मेरे को फुटस्टेप तब आया जब मैं खिड़की के अंदर चला गया और मेरे लग गए। वेल वो विलेज तुमने खाली कर दिया था, मेरे 8 किल हो गए थे, लेकिन भाई साहब मेरे को थी अभी किल की भूख लालच, तो हम आए दूसरे विलेज पे। लेकिन भाई जब हम यहाँ पहुंचे ना, तो हमको ऐसा लगा कि हम थोड़े से लेट हो गए थे, क्योंकि भैया यहाँ पार्टी खत्म हो चुकी थी। लेकिन भैया हमने पहन रखा था अल्टीमेट सूट, भाई जहाँ पहुंचेंगे पार्टी तो वहीं शुरू होगी। तो जब हम इधर आए तो एक बॉट भाई हमको तोपों की सलामी देने लगा मिनी चला के, तो हमने उसको इग्नोर करा, उससे हमारा लेना देना नहीं था, हमको चाहिए थे बंदे। और भाई क्या बंदे मिले हमको यहाँ पर, सबसे पहले हमको सुपरमैन की औलाद मिला, भाई कितना उड़ता है ये बंदा। हमको एक पैसे की उम्मीद नहीं थी कि ये बचेगा, लेकिन इसने भाई हम पे भाई साहब यूनो रिवर्स कार्ड खेल दिया, उड़ के निकल गया। अब हमको लगा कि अरे कहाँ भाग के जाएगा, नादानी में दर दर चला गया उड़ के, अभी लाते हैं उसको वापस। तो मैं आया, मेरे को लगा वो घर के अंदर है, मैंने मारा कामयाबियां, बट भाई जीरो डैमेज, वेस्ट चला गया मेरा पूरा की एनर्जी। और तभी उसने फिर से भाई साहब वही किया जिससे मेरे को नफरत हो गई इससे। अब यहाँ पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहा था कि भैया कोई खिड़की से पीक लेकर ठोक दूंगा उसको, बट भाई समझ गया कि रुकने में खतरा है, वो उड़ के निकल गया। अब यहाँ पर भाई साहब मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, मैंने कहा बुग्गी भाई देखो अब इसको देसी स्टाइल से ही ठोकना पड़ेगा। चलो बेटा चटको। अब देखो ये बंदा इतने में नहीं मानेगा, इसको बहुत खुजली है और इसकी खुजली हम कायदे से मिटाएंगे। हुआ ये कि हम इस कंपाउंड में मस्त जो है थोड़ा बहुत लूट रहे थे, तभी भाई हमको एक बंदा स्पॉट हुआ। अब उस बंदे के चक्कर में हमको कोई और स्पॉट हो गया, बस तुम देखते जाओ मजा आ जाएगी तुमको। ये वही बंदा है जिसको अभी हमने ठोका था, और भाई साहब वहीं पर उतरा है ये, तो हमने कहा रुको इसकी खाज अच्छे से मिटाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भाई साहब सबसे पहले तो भैया सिंजू बीन खाई, फिर उड़ के गया उसके पास और निकाला भैया कामे हामे हा। भाई सच बता रहा हूँ, कामया मैया भाई बहुत ओवर पावर्ड है, क्योंकि जब बंदे तुम्हारे ऊपर उड़ के आ जाता है ना, तुमको थोड़ा समझ में नहीं आता करूँ क्या, मैं इतने ऊपर एम ही नहीं जाता, ऊपर से फिर
आग बरसने लगती है भाई साहब, बीम बरसने लगती है, इंसान करे तो करेगा, जाए तो जाएगा। वेल हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि हम जाएं कहाँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी बंदा था उसको हमने ठोक दिया था। लेकिन तुमको याद होगा ना, एक बंदा मेरे को स्पॉट हुआ था, तो मेरे को डाउट था, मैंने कहा था बुकी भाई देखो यार यहाँ पर बंदे हैं, अभी भी मेरा दिल कह रहा है। तो बुकी ने कहा चलो ठीक है चक्कर मार लेते हैं, आपके लिए चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। तुमको ये मिले भाई साहब डार्क क्लाइन की शान, तुमने इनकी भी पेटी में से ठंडी हवाएं निकाल दी। अब देखो उसके बाद हमको ऐसा लगा था कि विलेज से हमारा दाना पानी उड़ गया है, लेकिन हम लौट के इधर ही आएंगे। फिलहाल अभी हम पोचिंग की जाएंगे, क्योंकि भैया वहां पर तो मजा आने वाला है। अब यहाँ पर दो स्क्वाड्स आपस में भिड़ी हुई थी, हम जब तक पहुंचे थे एक दो बंदे चटक चुके थे, क्योंकि किल फीड उनकी आ गई थी कंफर्म होने की। लेकिन हमको पता था कि अभी माल मसाला काफी इधर बच रहा है। अब मैंने एक नॉक निकाला, मैं सोचा था कामया में मार के खत्म कर दूंगा उनको, इजी था, तो मैं यहाँ पर आया। बट यार मेरा गामया में पता नहीं क्यों ये भाई था फेंस में लड़ गया, फेंस नहीं क्या बोलेंगे इसे, जो भी है ये रेलिंग। तो मैंने सेंजू बीन खाई, क्योंकि मुझे भाई साहब इनको तो स्टाइल से ही ठोकना था, मैं गन से इनको मारने के बोर्ड में नहीं था। तो भैया मैं रेलिंग के ऊपर चढ़ा, बहुत रिस्क लिया था मैंने, और फिर मारा कामया में। पहले तो कोई नहीं मिला, लेकिन फिर भाई दोनों निपटा दिए। अरे मजे आ गए भाई साहब, दोनों नॉक फिनिश। भाई साहब जिस हिसाब से मैं गोकू के पावर्स यूज कर रहा हूँ ना भाई साहब, बीरस को मेरे को ही ट्रेनिंग देने लगे उनको छोड़ के, भाई इस तरह यूज करते हैं गामे हमें। वेल देखो ट्रिपल स्टोरी वाले किसी से तो लड़ रहे थे, और वो थे स्क्वाडोज में, बुग्गी ने उनको स्पॉट कर रखा था। तो मैंने कहा बुग्गी भाई काम करो, मेरे को बस पोजीशन बताओ यार, मैं कोई ना कोई तरीके से उनको बजा दूंगा। तो बुग्गी ने मार्क लगा के बताया कि वो स्क्वाडोज की छत पे है। अरे भाई फिर तो ये गए, अब नहीं बचेंगे। बेचारे को जब तक रियलाइज होता है कि उसको कहाँ से पड़ रही है, वो ऑलरेडी नॉक हो चुका था। अब मेरे को डाउट था कि इसका टीममेट भी यहीं कहीं होगा, अकेला तो ये होगा नहीं। तो इसका टीममेट भाई साहब कतई चंड था। अब देखो मैंने लो टॉस में एक मोली डाली, फिर एक ग्रेनेड डाला हाई टॉस में, और ग्रेनेड जैसे ही फटा खबरें आ गई। तो भाई साहब तुम्हारे भाई को यहाँ दो और गिल्स मिल गए, तो इधर तो तुम्हारा भाई कतई हैप्पी हैप्पी हो रखा था। लेकिन भाई साहब अभी ये जो किल्स की भाई साहब जो ट्रेन चल रही है ना, ये रुकने वाली नहीं है, अभी तो बहुत किल मिलेंगे तुमको। तो हमने उठाया गोलगप्पा यानी कि एक कैप्सूल गार्ड, और फिर से वहीं गए जहाँ से हम आए थे। तुमको विलेज याद है ना, अभी उधर ही जाने वाले अब। लेकिन उससे पहले हमारे ऊपर चली सप्रेस्ड गन, कोई सोती थी हमको नहीं पता वो कौन सी गन थी, लेकिन इतना पता था ये बची ना। भाई साहब गिली सूट पहन के अपने आप को इनविजिबल मैन समझ रहे थे। दोनों के पास गिली सूट है भाई, हद खत्म है। पर देखो अब इनको बचाने के बाद हमको चाहिए थे और बंदे, तभी मेरे को सामने गोलगप्पा स्पॉट हुआ। अब इस गोलगप्पा में दो बंदे थे। अब यहां पर बुग्गी गया अपना गोलगप्पा लेकर उनको डिस्ट्रैक्ट करने, और भाई ये डिस्ट्रैक्शन क्या ही काम आया है मेरे। अब बुगी को बजाने के लिए उनका एक बंदे ने कर दी गलती, और यही तो चाहिए था। मैंने किया नॉक, किया फिनिश। अब मुझे पता था कि इसका एक ही फ्रेंड बच रहा है, और वो कहीं घास में लेटा हुआ है। अब देखो आमतौर पे यहाँ पर मैं तुमको कामेहा में चलाने को बिल्कुल नहीं बोलूंगा, वो तुमको मार देगा क्योंकि वो प्रोन है, तुम उसे दिख जाओगे। लेकिन अगर तुम ग्लाइड करके थोड़ा हाइट पे चले जाओ तो प्रोन बंदा तुमको हवा में नहीं मार पाएगा, इतने ऊपर क्रॉस एयर ही नहीं जाएगा उसका। तो बस उसी चीज को मैंने यहाँ पर अब्यूज करा। भाई थोड़े से मैकेनिक समझ लो ना गेम के, तो ये सब एबिलिटीज ओवर पावर्ड हो जाती हैं। अब इस चंपू ने मेरे को देख लिया था, लेकिन जब तक ये घूमता मेरे को ढूंढता मैंने काम लगा दिया था, और मैं नहीं मार पाता तो पीछे भाई बुग्गी तैयार था उसको टोकने के लिए। अब देखो यहाँ पर मेरे को फ्री के मस्त चाल के लिए मिले, अपन की लाइफ एकदम सेट थी। लेकिन अब हमको चाहिए था भाई साहब चिकन डिनर, क्योंकि ये गेम का था एंड फेस। तुम्हारे भाई के 20 किल हो चुके हैं, अब देखना था कि कितने किल और अंदर कर सकता हूँ। 6 बंदे बच रहे थे, टारगेट ये था कि 6 के 6 को मारेंगे, और भाई साहब कोशिश करेंगे कि कामेहा मेहा की भाई साहब एंडिंग हो एकदम। तो हम पहुंचे भाई साहब उधर ही जिधर से आए थे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था विलेज की तरफ। अब इस ड्रैगन बॉल विलेज में मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे को कोई मिलेगा, बिकॉज ये गेम का बहुत एंड फेज है, यहाँ कम ही बंदे टिकते हैं, बट भाई बहुत बंदे थे इधर।
अब दो बंदे ऊपर चढ़ रखे थे, तो मैंने डाला एक मॉली और फिर दिए दो हेडशॉट। एक ही हेडशॉट लेकिन काम हो गया, मॉली ने काम कर दिया तुम्हारे भाई का। भाई साहब अब मेरे को समझ में आया कि कल की क्रेट ओपनिंग में मेरे को 8 परमानेंट मॉली के क्यों मिले थे स्किन। भाई गेम भी जानता है कि मॉली का इस्तेमाल तो सिर्फ पार ऑफ ही करता है ढंग से। अब देखो मॉली तो मैंने यूज करके काफी बंदों को बजा दिया है, लेकिन कामे हाँ में हाँ अभी वो यूज करना बाकी था, और उसको यूज करने में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मेरे को दो बंदे स्पॉट हुए। सबसे पहले मैंने एक मॉली डाला और भाई उस मॉली ने भी काम कर दिया। और इसका टीममेट तो एकदम लप्पू सा था भाई, तो इसको हमने लपेट दिया। अब सिर्फ बच रहे थे दो बंदे जिनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि भैया जोन बहुत अजीब जगह पर है, ओपन में ये कहीं पर भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर आए, हमारी गाड़ी ऐसा लगा कि अटक गई है, बट कोई टेंशन नहीं, ये कैप्सूल गा रहे उसको वापस से पिक करके दोबारा गाड़ी बना लेते हैं। लेकिन बुकी को चाहिए था दूसरा गोलगप्पा, लेकिन जब हम ये गोलगप्पा ले रहे थे ना, मेरे को बंदा स्पॉट हुआ, तो मैं उतरा। बट जब मैं उतरा तो वो बंदा मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैंने बुग्गी से बोला भाई मार्क पे ले चलो, उधर बंदे हैं। अब भाई ये तो अकेला ही था, तो इसको तो अपन ने एकदम चटका दिया स्टाइल में। अब आखिरी बंदा बच रहा था और भाई इसने हमारे साथ गेम कर दिया था, बताए वो ये कि हम इसको ढूंढ रहे थे और हमको जानते हो ओपन में दिखा एक स्मोक। अब ले दे के हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि स्मोक के अंदर वो होगा बंदा या उसके आसपास होगा, बट उसने भाई डाइवर्जन डाला था उधर। हम जब इधर पहुंचे ना, हमारे ऊपर फायरिंग होने लगी। सप्रेसर लगा के बैठा था लौंडा। वेल फायरिंग करी तो करी, लेकिन अब गलती कर दी, या तो हमें नॉक करना चाहिए था या तो फिनिश, क्योंकि अब भाई साहब तुम नहीं बचोगे। तो मैं पहले उतर गया गाड़ी से क्योंकि वो देख नहीं पाया था मेरे को उतरते हुए। मेरा प्लान था कि बुग्गी उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, मैं इधर से हवा में उसको कामे हामे हा मारूंगा। और भाई ये प्लान क्या चुम्मा काम करे, खतई इजी चिकन डिनर।